हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज ब्रेसलेट फैशन फीचर निशा ठवानी। होप आप लोगों को मेरे सारे गुरुद्वारे वेडिंग ब्लॉग्स अच्छे लगे एंड आपको प्रतीक जनेऊ भी अच्छी लगी। एंड या अब हम मैं हूँ अपने घर में एंड देखो ये कौन है ये तो आप बताइए कौन है। ये मेरे पति देव है। सो गाइस, आज है सितावड़ा। आज हमारी फर्स्ट रसोई वाली सारी रस्में होंगी तो उसका व्लॉग मैं बनाने वाली हूँ। अभी जल्दी से रेडी हो जाते हैं एंड देन वी मीट मम्मा पापा एंड सारी रस्में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सो या स्टे ट्यून्ड। So before I go and you know get ready for the Satavde ceremony, I wanted to talk about one product which is the Hello Aloe Gist Gel by Plum Goodness and it is amazing because you know summers are here and जो भी मेरे skin पे heat आती है या बहुत ज़्यादा पसीना आते हैं मुझे pimples हो जाते हैं। जब मैं waxing वगैरह face पे कराती हूँ तो भी मुझे pimples आते हैं। So this works well for me and I apply it on the face। बहुत ज़्यादा cooling sensation effect देता है। It contains 94% pure aloe juice along with other ingredients like rose flower extract, glycerin, जो कि फेस के लिए बहुत अच्छा है। इसको यूज करने के 5 और अलग हैक्स हैं, जैसे कि मैंने आई हैव अप्लाइड इट एज अ मास्क हैक नंबर 1। फिर उसके बाद आप इसको प्राइमर की तरह भी यूज कर सकते हो बिफोर अप्लाइंग एनी सॉर्ट ऑफ मेकअप। यू कैन इवन टेम योर बेबी हेयर बाय अप्लाइंग इट या पार्टिंग अपनी पार्टिंग को होल्ड रखने के लिए हेयर में अप्लाई कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो अप्लाई इट एज प्री वॉश कंडीशनिंग मास्क फॉर हेयर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप इसको अपने स्कैल्प पे हेयर ग्रोथ के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इट विल वर्क एज एंटी डैंड्रफ ऑल्सो। सो या इतने सारे यूसेज इन जस्ट वन प्रोडक्ट है ना अमेजिंग। यू कैन ऑल्सो earn reward points by sending Plum Goodness MTs and for that you can check out MTs for Good initiative from the link mentioned below. Apart from that, Amazon's great summer sale has started which is from 1st May to 5th May. Also Plum Goodness ke products pe 35% off milega, up to 35% off you'll get and you can get this aloe gel at 30% off and go hurry up shop now. I have mentioned the link in description. Go and shop now. Guys, I am ready for my सतावड़ा रसम। सतावड़े पे ग्रीन पहना जाता है। यू कैन वेयर एनी सॉर्ट ऑफ ग्रीन कलर एंड अभी हम नीचे जा रहे हैं एंड प्रतीक इज ऑल्सो गेटिंग रेडी। या लेट्स गो डाउन एंड सी। एंड उससे पहले आप लोग पूछोगी मैंने मंगल सूत्र एंड सिंदूर, आई डिडंट वेयर ऑल द स्टफ बिकॉज आई एम जस्ट वेटिंग कि जब हमारी वहाँ हिंदू अकॉर्डिंग टू हिंदू रिचुअल्स मैरिज होगी एंड जब प्रतीक मुझे वहाँ पे ऑफिशियली सिंदूर एंड मंगल सूत्र पहनाएगा सो आई हैव टू मेंटेन दैट क्रेज कि मुझे बहुत न्यू फील हो, सबके प्रेजेंस में वो चीज़ हो। दैट इज़ वाई आई डिडंट वेयर और आई एम नॉट कैरिंग मंगल सूत्र और सिंदूर टिल दैट टाइम। सो या लेट्स गो डाउन एंड सी। मुझे अभी फर्स्ट अपने हाथ सेकने हैं कुछ रसोई पे एंड ऑल दैट एंड आई लास्ट मॉम की सतावड़ा वाली सेलिब्रेशन क्यों की जाती है इवन आई डोंट नो। सो या लेट्स गो। हेलो मम्मी। हेलो गाइस। सो मम्मी कैसा लग रहा है? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे लग रहा है? मेरे घर में रौनक आई है, मेरे घर खुशियाँ आई है, मेरी प्यारी बेटी आई है और मजे आ रहे। हमें बहुत मजा आ रहा, मेरा घर भर गया पूरा। अच्छा, खाली खाली रहता था मेरा। परेशान तो नहीं कर रही मैं ज्यादा? नहीं, बट आगे करूंगी। ठीक है, तो चलिए मम्मी अब हम लोग चलते हैं नीचे और पापा से भी मिलते हैं और सारी रस्में करते हैं और आपको ये भी बताना है कि हम लोग सतावड़ा क्यों करते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए चलते हैं। पापा कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, मेरी बहू आ गई घर पे। हाँ, और मजा आ रही है? बहुत मजा आ रही है, फुल आनंद आ रहा है। फुल आनंद आ रहा है, घर का माहौल ही चेंज हो गया है। है सच्ची? रौनक आ गई है। पहले क्या डिफरेंस था और अब क्या डिफरेंस है? अब एक नई ऊर्जा आ गई भाई घर में। अच्छा, आ गई तुम, एक रौनक आ गई। ये ऊर्जा, ये ऊर्जा भी, अब ये भी ऊर्जा इसके अंदर भी आ गई है। इसके अंदर भी ऊर्जा बढ़ गई है, अरे मम्मी के अंदर भी ऊर्जा बढ़ गई। अरे मम्मी अंदर तो पहले ही घर खुशियों से भर गया। अभी हम लोग सतावड़े की रस्म निभाएंगे।
अच्छा, और जो कि बहू जब नई घर में आती है तो दो दिन के बाद सतावड़ा होता है। क्या होता है ये सतावड़ा? सतावड़े में ग्रीन कलर के कपड़े पहने जाते हैं। हाँ। और जो अपने कुल गुरु रहते हैं देवता, हाँ, कुल गुरु को प्रणाम कर किया जाता है। ओके। गुरुद्वारे ले जाते हैं। ठीक है, गुरुद्वारे तो हम लोग जाएंगे नहीं, कोविड का टाइम चल रहा है, हम लोग गुरुद्वारे नहीं जाएंगे, तो हमारे जो बाबा जी हैं व्यास वाले, ये उन्हीं के आगे हम लोग करेंगे, हाँ, पूजा करेंगे। और क्यों मनाते हैं सतावड़ा मम्मी, पता है? सतावड़ा हम लोग इसलिए मनाते हैं कि प्रेम प्यार का होता है। प्रेम प्यार का। मेरी निशी गुड़िया मीठा बनाएगी, सबको खिलाएंगे। पूछूंगी ब्लॉग में कि कैसा हलवा बनाए, आप लोग को सच सच बताना। आज मुंह दिखाई की रस्म भी है। अरे क्या मुंह दिखाई कैसे करेंगे मम्मा? मुंह दिखाई है कैसे करेंगे? अभी हम आपको देंगे। अरे गिफ्ट भी मिलेगा। अरे आज तो चांदी है मेरी। ठीक है गाइस, तो अभी बहुत कुछ है करने को, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ट्विस्ट। आप लोग सोच रहे होंगे ये दीदी कौन है और ये कौन है। सो शी इज नेहा दीदी एंड शी इज प्रतीक्स एल्डर सिस्टर एंड उसके बड़े पापा की डॉटर है। हमने सबने आपका डांस देखा और लाडे भी देखे जन्मों में, तो आपको कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मुझसे मिलके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। और ये है हमारी एकता भाभी, बट आई विल नॉट कॉल हर भाभी, आई विल कॉल हर एकता ओनली। सो शी इज प्रतीक्स कजिन और ब्रदर सिस्टर, इनके बड़े सॉरी भाई। एंड आप इनको ऑफर हमारे ब्लॉग में देखने वाले हो, क्योंकि हम बहुत सारी मस्ती करेंगे साथ में एंड आप बहुत सारा कंटेंट भी दोगे हमें। ठीक है, ओके गाइस, सो अब हम हलवा बनाने वाली रस्म स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो टू द किचन। दिस इज ऑल द इंग्रेडिएंट्स आई नीड फॉर सूजी हलवा एंड मैंने दो बार प्रैक्टिस करी है फॉर योर इन्फॉर्मेशन घर पे, सो प्लीज फॉरगिव मी अगर अच्छा ना बने। चलो मैं अपना प्यार डालूंगी, बाकी स्वाद का नहीं पता। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। मम्मी चीटिंग नहीं करनी है, हेल्प नहीं करनी है, निशी खुद से बनाएगी हलवा। और जो हम लोग खाने वाले हैं, ये निशी इसमें क्या क्या है? ये ड्राई फ्रूट्स है, ये मैंने अभी देसी घी डाला है, मैं अभी थोड़ा सा भूनूंगी सूजी डाल के। बहुत इजी होता है गाइस, मैंने जब बनाया था फर्स्ट टाइम तो मैंने बोला था ये तो बहुत है। कैसा लग रहा तुम्हें किचन चेंज करके? तुमने वो किचन छोड़ दिया, वो ग्रैंड लग्जरियस किचन को छोड़ के छोटा मोटे किचन में, कैसा लग रहा तुमको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लव और प्यार और अफेक्शन मैटर करता है, जगह नहीं मैटर करती। बट मेरे को हलवा अच्छा चाहिए। हलवा अच्छा नहीं है? हलवा अच्छा होना चाहिए मेरे लिए, प्यार प्यार वह नहीं चलेगा, हलवा अच्छा चाहिए मेरे को। मम्मी ठीक ठाक थी? हाँ, इंदु आया ना? आता है ना, मतलब निशी को नहीं आता। क्या 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 बोल रहे हो? She is trying her level best and she'll make it the best. Okay, okay. All the bhabis. We will see. We will see. मैं थोड़ा पानी डालूंगी। तुम्हारे क्लास में हुआ है, हम लोगों ने अमेरिका से लेके स्पेशली। Thank you.
ये अब मैं गाइस शुगर ऐड करने वाली हूँ, अपनी उंगली ऐड नहीं करूंगी वरना बहुत मीठा हो जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हो जैसे सूजी का हलवा थोड़ा सा डार्क हो गया है और इसमें पानी सूख गया है सारा, और मम्मी ने कहा था जब बनाओ तो चिपके ना, वो मम्मी आप देख रहे हो व्लॉगर, ये देखो अब चिपक नहीं रहा है। मम्मी अभी जब खाएंगे तब लोग बताएंगे कैसा रहा ये। हाँ। अभी अभी तो खा के पता चलेगा। अब ये ऋषि ने हलवा प्रिपेयर कर लिया है और अब मैं सबको परोसूंगी। खुशबू तो अच्छी आ रही है। अब पता नहीं गाइस मीठा मुझे नहीं पता क्योंकि मैं मीठा घर पे कम खाती हूँ। तुमने इतना बड़ा कटोरा डाला है ना इसमें शुगर का, ये तो नहीं डाला, ज्यादा मीठा ना हो गया वो। ओके गाइस तो अब मैं आई सर्व एंड देन आई विल टेल यू कि सबको कैसा लगा। ये अच्छा बना है, ठीक है ना, इसमें वाहेगुरु का रस आ गया। अरे वाह, अरे वाह वाह वाह। सो निशि, शाम के 6 बज चुके हैं, हम लोग तब से वेट कर रहे हैं कि कब ये खाने को मिले हम लोग को, और इसको बनते बनते 2-3 घंटे तो हो गए यहाँ पर। क्यों बताइए, ठंडा ना हो जाए जल्दी खिला दो। पापा का पीला कुर्ता व्हाइट हो गया है। पापा को सबसे पहले हम सर्व करेंगे। ये बहुत गर्म है। हम लोग भाई कैसा है, गर्म गर्मा गर्म तो मिलेगा ना आपको। देखिए अभी शादी को 3 दिन हुए तो गर्म गर्म मिलेगा, आगे जाते जाते ठंडा मिलेगा। मिलना बंद कर दो अब, वो तो वही बताएगा आप। इससे नहीं, गुड़िया गरम खिलाएगी हमेशा, हमें जब भी खिलाएगी। कैसा है? वाह वाह बहुत बढ़िया, सच्ची बताइए। और पहला टेस्ट अच्छा होता, सेकंड बाइट ट्राई करिए, उसके बाद शायद टेस्ट चेंज हो जाए। फर्स्ट टाइम अच्छा लगता है, सेकंड टाइम कैसा है? मतलब निशी, हाँ मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अभी बड़े बॉस से अब रूल आ गया, अब बाकी की जनता। चलिए मम्मी जी, मम्मी स्लो मोशन में खाना, स्लो मोशन पहले मेरी गुड़िया है। इधर आके कैसा लगा है? बहुत अच्छा। कैसा लगा? हाँ पहले पहले आप खाओ फिर बताओ। हाँ। अभी खाया तो है नहीं मम्मी। नहीं बहुत अच्छा है मम्मी, है है पक्का है, मस्का नहीं मार रहे। पक्का कंफर्म पक्का, सेकंड देवी अप्रूव। चलो आओ प्रतीक को खिलाओ, आओ बड़ी बहन आओ प्रतीक को, मैं लाग जाओ अपने हाथ से खिलाऊंगी। नहीं नहीं सब लोग खाओ। हाँ भाभी को भी दो। अरे क्या बात कर रहे, ऑन कैमरा ऑन कैमरा, इतना नहीं खाती हूँ मैं, ऑफ कैमरा खाती हूँ मैं। सबको पैसा मिला है लाइन से, सबको पैसा मिला है लाइन से। अभी तुम्हें भी मिलेगा, बहुत ही बढ़िया, आंटी ने बहुत अच्छा दिखाया है। हाँ थैंक यू मम्मी, पास हो गई आपकी डॉटर। तभी झूठ तो नहीं बोल रहे। अरे पापा थैंक यू पापा। हाँ ठीक है, डन 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 डन। अरे नहीं तुम्हें मीठा नहीं खिलाना है। उठूंगा 2 बजे तक बोलूंगा मैं। प्रतीक 50 इयर्स तक फिट रहना है अपने को, नो मोटापा। 50 इयर्स नहीं, 50 इयर्स के बाद खुद आ जाते हैं। 50 इयर्स की 50 इयर्स तक सब कॉन्शियस हो जाते हैं। एग्जैक्टली जनता वासियों, कोरोना इज वेरी वेरी सिवियर, तो प्लीज अपना ध्यान दीजिए। आप बोलो कायरा, क्या बोलोगे कोरोना के लिए? सब लोग मास्क पहनो, हैंड वॉश करो, सैनिटाइज करो, बोलो सबको। सब लोग मास्क पहनो, हैंड वॉश करो और सैनिटाइज करो। यस गुड गर्ल, सुन लिया आपने, सो प्लीज 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 डू दैट। तो हम लोग का सतावड़ा इज डन, हम लोग अभी बगल में भी गए थे बड़ी मम्मी बड़े पापा के पास, हम वहाँ से भी हुआ हैं, किड्स को आपने मिल लिया होगा। तो अब मम्मी हम लोग क्या करने वाले हैं? फाइनली हाथ सेकने वाले। तो हाथ कैसे सेकते हैं मम्मी जी? अब उल्टा करो, ये हाथ से किया गरम मम्मी, बस हो गया। हो गया बाबू,
सो गाइज हमारी हाथ सेकने की रस्म भी हो गई है एंड अब हम जा रहे हैं, मैं भी चेंज करने जा रही हूँ, मम्मी भी चेंज करने जा रही है। आपको होपफुली ये ब्लॉग अच्छा लगा एंड अभी मैं प्रतीक के पास जाती हूँ, फिर हम लोग ब्लॉग एंड कर देंगे। तो मम्मी की तरफ से गुड नाइट, गुड नाइट गाइज। सो गाइज वी आर डन फॉर द डे एंड लुक एट माई हस्बैंड बिजी टेकिंग पिक्चर्स, बिजी मेकिंग वीडियोस। मैं वाइफ बाद में मुझे बोले कि बिजी टेकिंग पिक्चर्स, बेबी हाउ आर यू फीलिंग, ये लोग करे तो ठीक, हम लोग करे तो नहीं। अच्छा तुम्हें कैसे लग रहा है माय वाइफ बोलिए? यार इट्स लाइक इट्स अ स्पेशल मोमेंट और काफी लोगों को लगता है कि यार शादी हो जाएगी तो बड़ा वो हो जाएगा, लाइफ चेंज हो जाएगी, पॉसिबल हो जाएगा। If you accept it, then it's gonna be a great, great thing. If you don't accept it, तो आप बड़ा स्टेल रहोगे, करनी तो पड़ेगी बेटा, कहाँ जाओगे, अकेले तो मरना नहीं है। So Pratik, where is my gift for Satavra? I have a gift. So Nishi, these are your. Yeah, these are so pretty. Make me wear, no? मुझे और प्रतीक को कौन कौन से ब्लॉग्स में चाहते हो, क्या आप लोग जानना चाहते हो? चाहते हो ब्लॉग में आना? अरे मैं आऊं। प्रतीक ये तो ऑब्वियसली चाहते हैं, डोंट आस्क ऑब्वियस क्वेश्चंस, बट आप लोग कौन कौन से ब्लॉग्स देखना चाहते हो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, हम वही वीडियोस बनाएंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट, नीचे कमेंट करके बताओ एंड आई विल कम बैक विद मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस। बाय।